अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। उनकी मानसिकता बन गई है, गाली कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। पर क्या है, शासन ने आपको इसलिए भी जांच करके जो अपराधी उसको दंड दें, ये आपका काम है। हम ये चाहते हैं कि आप उसको दंड मिले। सर ऑफिस में जितने भी लोग हैं उनके सबके बयान दर्ज कर लेंगे और सबके एक एक आपके उनके सबके बयान हो जाएंगे। सब लोग जो बयान दे देंगे उसी समय उसी के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जाएगी। इसके लिए आप बेफिक्र रहें, है ना। शासकीय कार्यालय में कोई भी विवाद हो, अनियमितताएं हो, भ्रष्टाचार हो, कुछ भी हो, तो पहले वो विभाग जो शासकीय कार्यालय है पहले वो जांच करता है। प्राथमिक उसको जांच का अधिकार रहता है, वो जांच करके हमको रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो आपको पहली प्राथमिक जांच तो वहीं से होगी। आपने अपने अधिकारियों को बताया, लिखित में दिया आवेदन? हाँ जी है आपके पास कॉपी? नहीं, उनको दिया कि नहीं दिया आपने? पहले आपकी प्राथमिकता उनको देना थी, अपने कार्यालय प्रमुख को। नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नियम है कि पहली प्राथमिकता आपकी कार्यालय प्रमुख को देना है। कार्यालय प्रमुख को भी एक देंगे, वो आपकी विभागी जो वहाँ पे जांच होगी वो भी होगी, वो हमको सबमिट करेंगे, हम भी करवाएंगे इसकी जांच। व्यक्तिगत रूप से भी पीड़ित हो, इसलिए मैं अपनी आप तो अभी सामूहिक रूप से आए ना, सामूहिक रूप से कर रहा हूं मैं, चाह रहा हूं मैं। ठीक है, फिर कहां पे हुई घटना आपके साथ? निगम में हुई। नहीं नहीं, ये राजस्व के प्रोजेक्ट है, उनके कमरे में तो वहाँ कैमरे लगे ही होंगे? नहीं, उनके कमरे के अंदर कैमरे नहीं, गलियारों में जरूर। ठीक है, वहाँ दिखवा लेते हैं हम, जो भी जांच करवा लेंगे वहाँ पे, कौन कौन थे, क्या थे। ठीक है, उसके हर एक चीज़ की जांच करवा लेंगे। आपके भी आपको बयान कराना तो बयान करा दीजिए आपके। ठीक है, आपके बयान करा दो। ठीक है, थैंक यू सर। ये हमारा काम का अंदर आने का हम ठीक चेयरमैन है, उनके कमरे में बैठा था तो शीतल गहलोत पार्षद हैं, वो आए थे। उन्होंने दो तीन दिन पहले दो कॉलोनियों के खाते खुलवाने के लिए मुझे फाइल दी थी। मैंने से पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा वो फाइल मेरे द्वारा मूव कर दी गई है। और चूंकि लता अग्रवाल जो है डीसी मैडम जो राजस्व देखती हैं, वो तीन दिन से नहीं आए, तो हुआ नहीं, तो उनके द्वारा एकदम मेरे को धमकी देना चालू कर दिया कि आप सब पैसा खाते हो, पैसे का कारण फाइल नहीं हो रही है, और कमरा बंद करके मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की और गाली गलौज की उनके साथ, बहुत गंदी गाली है। हाँ, मैं FIR दर्ज कराने जा रहा हूँ उनके ऊपर। हमारे कर्मचारी साथी हमारे साथ हैं, अभी
आपने अभी किसी से बात करी? हाँ, महापुरुष जी से बात की है, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया, वो संवेदनशील है इस मामले में। क्या आपके साथ उनके द्वारा मारपीट हुई है? मारपीट तो नहीं, उन्होंने गाली गलौज की, हाथ उठाने की कोशिश की मेरे ऊपर, ऐसा हाथ ऊंचा किया था। सर, लगातार इस तरह घटना हो रही है, पहले उपायुक्त के साथ हुआ था, फिर दूसरी बार उपायुक्त के साथ हुआ, आज तीसरी बार आपके साथ हुआ, क्या कहना चाहोगे उसको लेकर? मेरा यह कहना है कि यहाँ पे जो पार्षद हैं, जो जरूरी नहीं कि सभी खराब हैं, पर कुछ पार्षद ये हैं कि वो ये समझते हैं कि हम हमारे दम पे सारे वेद अवैध काम करा लेंगे, तो अधिकारी कोई ऐसा नहीं है जो गलत काम उनके कहने पर या उनकी दबंगता के कारण करेगा। सर, आगे क्या निर्णय रहेगा आपका? आगे अभी हमारा निर्णय ये है कि अभी हम FIR कराएंगे, यहाँ ज्ञापन देंगे, आज तो हमने नगर निगम बंद किया है। कब तक बंद रहेगा ये कार्य? फिर आगे की ये कब तक बंद रखेंगे आप नगर? आज तो अभी बंद है, फिर हम कल और कॉलोनी का काम था, मैंने कॉलोनी की फाइलें मूव करके भेज दी थी, पर चूंकि हुई नहीं थी, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो मैडम है वो तीन दिन से आई नहीं है, सबको मालूम है, क्योंकि फाइनल है वही रहती है, 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर के खाते खोलने का उनको अधिकार है, तो वो मुझे प्रेशर। हाँ, पुलिस का FIR में दर्ज कराना। सर, आपने काम बंद करा, आयुक्त जी से बात हुई पूरे मामले को लेकर? आयुक्त महोदय छुट्टी में, तो डिप्टी कमिश्नर है शुक्ला जी, उनके संज्ञान में हम ये बात ले आए। आपका नाम और पद? मेरा नाम प्रदीप शास्त्री है, राजस्व अधिकारी हूँ यहाँ पे। सर, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी आए थे, कुछ विवाद की स्थिति, क्या मामला पूरा? नगर निगम के अधिकारी आए थे, साथ ही उनके द्वारा बताया गया कार्यकालीन के समय उनके ऑफिस में कुछ अभद्रता की गई है, जिसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। यहाँ की ज्ञापन नगर पुलिस अधीक्षक देवास को दिया गया है, इसकी और संबंधित कमिश्नर नगर निगम को भी इसकी कॉपी भेजी जा रही है। कार्यकालीन समय के समय क्या व्यवधान हुआ है, इसके बारे में वो लोग भी देख रहे हैं और पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई करेगी। सर, आपका किस तरह से आवेदन दिया, क्या लिखा था उसमें, क्या अधिकारी के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी देने के तथ्य बताए हैं, जिसके लिए संबंधित CSP को जांच के लिए दिया गया। सर, किस बात पर रुकर बता दो? उनका कहना है कि किसी कार्यकालीन कमी किसी फाइल के विषय के संबंध में बता रहे हैं, और यह आगामी अभी संज्ञान में आया है, जांच का विषय है, इसको देख के कार्रवाई करवा दें। हमने पार्षद अधिकारियों के बीच लगातार विवाद के मामले सामने आ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में लगातार 3-4 मामले ऐसे देखे गए कि कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है और आज भी काम बंद करा है, क्या पूरा मामला हो जाएगा? नगर निगम में अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों को हिल मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है, पर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भी अपने काम करवाना होते हैं और अधिकारियों को भी अपनी मर्यादाएं होती हैं। आज भी मेरी जानकारी में आया कि हमारे MIC प्रभारी शीतल गहलोत जी का राजस्व विभाग के प्रभारी शास्त्री जी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पार्षद MIC के प्रभारी शीतल गहलोत जी का कहना था कि किसी नामांतरण की फाइल को लेकर नामांतरण के प्रभारी शास्त्री जी ने पैसों की मांग करी थी, उनकी ये शिकायत थी, और उसी बात को लेकर दोनों की बहसबाजी हुई थी। मेरा तो दोनों ही पक्ष से कहना है कि परिवार होता है, परिवार के अंदर कई बार गहमागहमी होती है, संयम से काम लेना चाहिए। घटनाक्रम के बाद शास्त्री जी मेरे पास आए थे, उन्होंने घटनाक्रम से मुझे अवगत कराया था, मैंने उनको बोला था कि मैं हमारे पार्षद को MIC के प्रभारी शीतल गहलोत जी को बुलाकर मैं बात करता हूँ, किंतु वो तुरंत बाहर गए और अपने साथी कर्मचारियों के साथ में उन्होंने हड़ताल करी है। मेरा ये कहना है कि व्यक्तिगत विवाद है, दोनों के पास अपने कहीं ना कहीं पक्ष है, प्रशासनिक मुखिया कमिश्नर होते हैं, राजनीतिक मुखिया इस संस्था का महापौर होता है, दोनों के समक्ष अपनी बात रखना चाहिए, अपनी बात रखने के साथ में दोनों के निर्देश का पालन करना चाहिए, किंतु कर्मचारियों ने छोटे घटनाक्रम को लेकर बार बार हड़ताल करना यह भी ठीक नहीं है, और यदि पैसों का आरोप लगाया, पैसे मांगे, तो वो भी गलत है, और जनप्रतिनिधियों को भी कोई विषय है तो वो महापौर को अवगत कराएं, कमिश्नर को अवगत कराएं, उन्हें भी संयम बरतना चाहिए। मेरा दोनों ही पक्ष का ये कहना है कि संस्था शहर के हित के लिए, शहर के काम के लिए है, दोनों पक्षों के विवाद नहीं होना चाहिए, और शहर हित में हमें लगातार जनता की सेवा कैसे कर सके, उस लाइन पे कर्मचारी अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, उस लाइन पे जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए।